गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल क्रिस्टल ओरिजिन। तो आज मैं आपके लिए फिर से एक डिटेल रीडिंग लेकर आया हूं, जिसके अंदर हम जानेंगे आपके पार्टनर के करंट थॉट्स के, आप दोनों के बीच में डिटैचमेंट होने के बाद ये इंसान आज भी आपको याद करता है या नहीं करता, इसकी करंट फीलिंग क्या आती है, ये जो बार बार पैटर्न यूज करता है, बार बार अपनी मर्जी से आना, अपनी मर्जी से चले जाना, ऐसा क्यों करता है, क्या कोई थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट है जिसकी वजह सब चीजें हो रही है, या इनके मन में आपके साथ रिलेशनशिप को आगे लॉन्ग टर्म लेके जाने का है या नहीं, आप दोनों का कनेक्शन कौन सा है, ये कार्मिक है, सोलमेट जर्नी है या कोई पास्ट लाइफ कनेक्शन है, कौन सा कनेक्शन है, आज सब चीज आपको इस रीडिंग में क्लियर करूंगा। क्योंकि मेन चीज क्या होता है कि कार्मिक तो एक लस्ट की एनर्जी का होता है, कार्मिक ज्यादा लंबा नहीं चल पाता है। हाँ, एक सोलमेट कनेक्शन हो, ट्विन फ्लेम हो या कोई पास्ट लाइफ कनेक्शन हो, वो काफी लॉन्ग लास्टिंग रहते हैं। लॉन्ग लास्टिंग के सेंस में कि आप दोनों अगर शादीशुदा नहीं है, आप शादी करने का, हाँ शादी भी हो सकती है, दोनों के बीच में एक ऐसा बॉन्ड बना रह सकता है जो कभी ना टूटने वाला बॉन्ड। एक होता है कई लोग कहते हैं हमें शादी नहीं करनी है, लेकिन एक कनेक्शन हमारा ऐसा बना रहना चाहिए, कम्युनिकेशन एक स्मूथ कम्युनिकेशन चलता रहना चाहिए कि दोनों के बीच में डिटैचमेंट ना आए, वो चाहे एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर हो, चाहे एक नॉर्मल एक लिव इन वाला बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड वाला रिलेशनशिप हो, लेकिन आप सब चाहते हो कि हमारा एक कम्युनिकेशन एक हेल्दी रिलेशन चलता रहे, जहां पे हम दोनों अपने एक दूसरे के साथ अपने इमोशंस को शेयर करते रहे, कुछ कमिटमेंट्स होने चाहिए जहां हम कभी एक दूसरे को छोड़ेंगे नहीं, समथिंग लाइक दैट। तो आज सब चीज आज इसमें क्लियर करेंगे कि आप दोनों के बीच में ये पैटर्न बार बार रिपीट क्यों हो रहा है, आप दोनों के बीच में गैप क्यों है, क्या पर्सन वापस आपके लाइफ में आएगा नहीं, क्या पर्सन सच में आपसे प्यार करता है, क्या सिर्फ कार्मिक था कि इंसान आया लस्ट की एनर्जी कम्प्लीट हुई बंदा चला गया। आज देखते हैं कार्ड में सब कुछ क्या आता है। तो रीडिंग को लास्ट तक देखना मत भूलिएगा, क्योंकि इसमें बहुत सारी चीज क्लियर होंगी आपको आज। तो क्लेम करने के लिए नीचे कमेंट बॉक्स में 111 लिखना मत भूलिएगा। और ये रीडिंग एक जनरल रीडिंग है, कोई पर्सनल रीडिंग नहीं है, तो इसलिए जितना पार्ट आपसे रेजोनेट होता है उतने को क्लेम करना है, बाकी को आप स्किप कर सकते हैं। टाइमलेस रीडिंग है, जब भी आप इस रीडिंग तक पहुंचते हैं तभी रीडिंग आपसे रेजोनेट कर सकती है, कोई जेंडर स्पेसिफाई नहीं है, मेल फीमेल सेम जेंडर का इंसान भी इसको देख सकता है। ठीक है, एक छोटा सा नोट है, यदि आप हमसे पर्सनल रीडिंग कराना चाहते हैं जो मैं रीडिंग करता हूं, ठीक है, आपको उसके लिए डायरेक्टली मुझे व्हाट्सएप करना है, कॉल मत कीजिएगा, नंबर है मेरा 9560227240, पेड कंसल्टेशन रहेगा, फ्री कंसल्टेशन बिल्कुल भी नहीं रहेगा, क्योंकि हमारे इसमें एनर्जीज लगती हैं और एनर्जीज को एक्सचेंज करने के लिए एक मेटलिस्टिक मेटलिस्टिक एनर्जीज का एक्सचेंज होना जरूरी होता है, ताकि वो चीज आपके ऊपर फले। ठीक है, सेकंड चीज, यदि आप हमारी तरह टैरो कार्ड रीडर बनना चाहते हैं तो मेरी वाइफ है भावना वाटला, जो कि एक एक्सपर्ट टैरो कार्ड रीडर है, आप सिखाती हैं, अब तक पता नहीं कितने लोगों को सिखाकर वो ट्रेन कर चुके हैं, और आज की डेट वो लोग अर्निंग प्लेटफॉर्म पे खड़े हैं आज की डेट में, कुछ एप्स में काम कर रहे हैं जो कि एक वेल अर्न कर रहे हैं, कुछ अपने यूट्यूब चैनल खोल के बैठे हैं जो कि अपने एक होता है ना कि अपने क्लाइंट्स को डील करना, अपना ही सेल्फ मेड बनना, अपना को सेल्फ मेड बनाना, एक एज ए बिजनेस की तरह लेके चलना, लोगों की हेल्प करना, ये सब चीज कर रहे हैं। यदि आप भी करना चाहते हैं आप इसे कर सकते हैं। आप उसको कोई भी जानकारी चाहिए, कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए कोर्स के रिगार्डिंग, आप मुझे डायरेक्टली व्हाट्सएप करें, नंबर है मेरा 9560227240। ठीक है, आज मैं दो डेक से कार्ड लूंगा, देखते हैं कार्ड्स के निकल के आते हैं, आपके पार्टनर की करंट फीलिंग क्या आती है, लेट्स सी। ओके, देखिए फर्स्ट कार्ड ही निकला है मेरे पास यहाँ पे, 3 ऑफ वैंड्स, जो क्लियरली शो करता है इस इंसान के मन में ना आपको लेकर बहुत ज्यादा सोच विचार चल रहा है। जब से आप दोनों के बीच में डिटैचमेंट आया ना, ये इंसान को कोई दिन ऐसा नहीं जाता कि ये इंसान आपके बारे में ना सोचे। इसने गलतियां खुद करी है, इसे रियलाइजेशन भी है, इसको पता है कि हाँ गलती मैंने करी है, लेकिन मैंने कहा ना कि ये इंसान बहुत ज्यादा इगोइस्टिक है, डोमिनेटिंग है, अपनी गलती करके जल्दी से माफी नहीं मांगता। ये इंसान इस तरीके का है कि कहते हैं ना कि गलती कर देगा ब्लेम आपके ऊपर कर देगा, हाँ तुम्हारी वजह से कुछ हुआ है, अगर मैं कुछ ऐसा कर भी रहा हूँ सिर्फ तुम्हारी वजह से कर रहा हूँ। ये बहुत सारी बातें आपको ऐसे बोल देता है जो एक अनरियलिस्टिक बातें होती हैं, लेकिन आप हमेशा से जानते क्या करते हैं, हमेशा से एक रिश्ता बचाने चक्कर में लगे रहते हैं कि रिश्ता टूटना नहीं चाहिए, रिश्ता बना रहना चाहिए। कोई भी बात होती है ना, मैं कह रहा हूँ शुरुआत में कुछ समय के लिए सही रहा, लेकिन उसके बाद से इंसान का ना एक नेचर रहा आपको दबा के रखने का। ये इंसान शुरू से इस फॉर्म में आपके साथ रहा है कि आपको दबा के रखना है ताकि आप ऊपर उड़ ना पाओ, लेकिन कहने का अगर मैं आपकी एनर्जी देखूं तो आप उड़ना चाहते हो, आप इसके दबाव में बहुत रह लिए। दोनों के बीच में जो नो कॉन्टेक्ट जोन आया है, इस बार नो कॉन्टेक्ट जोन आने से पहले आप दोनों के बीच में कुछ आर्गुमेंट जरूर हुआ था जिसकी वजह से आप दोनों के बीच में गैप आया, लेकिन आज की डेट में आपने अपने आप को एक स्टेबल कर लिया है, आप इसे कोई कॉल नहीं करते हो, मैसेज नहीं करते हो, आप अपने ही उसमें धुन में बिजी हो भी, लेकिन जब से आपने अपना एक ये चेंज लेकर आया ना, अपने नेचर में चेंज लेकर, तब से इंसान के अंदर एक डिजास्टिक चेंज आता दिखाई दे रहा है।
ये इंसान आपके ऊपर पूरी तरह से नजर रखे हुए है, आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, क्योंकि ये ना कोई चीज बर्दाश्त नहीं कर पा रहे, क्योंकि आप इस हमेशा से चेज करते थे, बातें करते थे, अपने अंदर से कुछ शुरुआत करते थे, लेकिन इस बार आपने कोई शुरुआत नहीं करी, तब उसी वजह से लेकिन इसके अंदर ना आपको लेके फियर की एनर्जी भी आती दिखाई दे रही है कि कहीं आप इसको छोड़कर अपनी लाइफ में मूव ऑन तो नहीं करके, जो आपके अंदर एक डेस्परेशन थी ना पहले कि ये मुझसे बात क्यों नहीं कर रहा, कहीं ये मूव ऑन तो नहीं करके, तो लेकिन इस बार आपने अपने आप को रोक लिया है, जो कि सबसे बेस्ट पार्ट होगा रिलेशनशिप का। देखो रिलेशनशिप बनाओ कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एक अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट होनी बहुत जरूरी है, जो कि आप सेल्फ रिस्पेक्ट कहने के इस रिलेशनशिप में खो चुके थे, लेकिन आज के टाइम देखा जाए ये इंसान आपकी वैल्यू करता हुआ दिखाई दे रहा है, आपके बारे में ओवरथिंकिंग करता हुआ दिखाई दे रहा है, आपके बारे में सोच विचार करता हुआ दिखाई दे रहा है, आपसे बात करने का मन है इसका कहने का, लेकिन अपने आप को बस रोके हुए है किसी भी फॉर्म में। सेकंड कार्ड निकला है मेरे पास यहाँ पे सिक्स ऑफ स्वॉर्ड्स को, जो कि दिखाई देता है कि हाँ ये इंसान जितना आपसे मूव ऑन करने की कोशिश करता है ना, उतना ही कहने का अपने आप को आपके नजदीक पाता है, क्योंकि आप दोनों के बीच में ना एक ऐसा कनेक्शन है जिसे बोल सकते हैं पास्ट लाइफ कनेक्शन बोल सकते हैं, कि आप दोनों ने कुछ कर्म ऐसे भी करने हैं जो कि आप दोनों ने साथ मिलकर करने हैं, जो कि आप दोनों के बीच में एक डिटैचमेंट आ रहा है, क्योंकि देखो जब शुरुआत जब किसी चीज़ की होती है ना, वहाँ पे जब से आपस में अनबन जरूर होती है, लेकिन ये रिश्ता मुझे बहुत लंबा निकलता हुआ दिखाई दे रहा है, बहुत लंबा आगे तक जाता हुआ दिखाई दे रहा है, अभी से इतनी जल्दी रिश्ता खत्म नहीं होगा किसी भी हाल में। ये पर्सन आपके लिए डेस्परेटली, सच बता रहा हूँ, डेस्परेटली वर्ड बोल रहा हूँ, ये इंसान डेस्परेटली आपसे प्यार करता है, आपके साथ रहना चाहता है, लेकिन कहीं ना कहीं इससे कुछ चीज़ें हैं जो कि इसको पीछे खींच रही हैं, जो कि हो सकता है या तो इसे कुछ फैमिली मेम्बर्स हो सकते हैं जो कि इसको आपके पीछे खींच रहे हैं, वो नहीं चाहते आप और ये दोनों एक लाइफ में रहे, या कुछ ऐसे लोग हो सकते हैं जो कि आपके फ्रेंड्स के लिए, कुछ म्यूचुअल फ्रेंड्स हो सकते हैं जो कि आप दोनों को दूर करना चाहते हैं, बट समवन इज देयर जो कि आप दोनों को अलग करना चाहते हैं, लेकिन वो इंसान जितनी मर्जी कोशिश कर ले, लेकिन ये इंसान के ऊपरी दिमाग को बंदा कोई कंट्रोल कर सकता है, लेकिन सबकॉन्शियस माइंड को अभी कोई इंसान कंट्रोल नहीं कर पाया, और इसके सबकॉन्शियस माइंड में आप आज भी वैसे ही हो जिस तरीके से आप दोनों के बीच में जब छोड़ कर गए थे ना एक दूसरे को, उसी वे में सेम प्यार है, लेकिन ये इंसान अपनी तरफ से पूरी एफर्ट्स लगा रहा है दोबारा से आपके पास वापस आने में, दुनिया से लड़ना चाहता है लेकिन आपसे दूर नहीं होना चाहता बिल्कुल भी। थर्ड कार्ड निकला है मेरे पास एस ऑफ कप्स का, जो कि शो करता है आपके रिलेशनशिप में डिवाइन की ब्लेसिंग्स हैं, आपके रिलेशनशिप में बहुत से लोगों का इन्वॉल्वमेंट रहा है और अभी भी है जो कि आप दोनों को दूर करना चाहते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उनकी चीजें सारी नाकामयाब होती हुई दिखाई दे रही है, भले ही अभी कुछ समय के लिए आप दोनों उन सब लोगों के सामने इस तरीके से प्रिटेंड कर रहे हो कि हम दोनों अलग हो चुके हैं, हम दोनों के बीच में कोई कम्युनिकेशन नहीं है, लेकिन ये इंसान आज भी आपके साथ एक थॉट्स की कॉर्ड से बंधा हुआ है, आज भी अगर ये इंसान आपको डीपली याद करता है ना, तो आपके मन में तुरंत एकदम उसके लिए कुछ चीजें आती हैं, एक होता ना जैसे इंसान को अपना बिजी शेड्यूल में है, लेकिन सडनली उस पर्सन के माइंड में बातें आ जाना, कैसे उसको आपको ऐसा फील होना कि जैसे कि हाँ कोई आपको याद कर रहा है, कोई आपको बुला रहा है, आपको आपका पार्टनर आपसे बात करना चाहता है, आपको कहीं बार फील होता है, या कहीं बार ऐसा होता है कि आप बैठे बैठे कुछ अर्जेंट काम कर रहे हैं लेकिन आंखों से आंसू निकल जाना, उस मोमेंट पे कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो पर्सन आपसे बोलना चाहता है, अपनी गलती रिग्रेट करना चाहता है, अपनी गलती की माफी मांगना चाहता है, वो मोमेंट ऐसे आते हैं जो आपको लगता है कि हाँ नहीं अभी भी मेरा रिलेशनशिप जिंदा है, वो आज भी मुझे याद करते हैं, आज भी मेरे से प्यार करते हैं, आज भी मेरे पास आना चाहते हैं, लिटरली वो इंसान यही चाहता है, ठीक है। और आप कोई कार्मिक नहीं है जो कि लस्ट की एनर्जी है, लस्ट की एनर्जी आए खत्म हो गया, लस्ट की एनर्जी नहीं है यहाँ पे एक पास्ट लाइफ कनेक्शन में से बोल सकते हैं, पास्ट लाइफ कनेक्शन बोल लो, सोलमेट बोल लो, लेकिन आप दोनों के बीच में एक कॉर्ड ऐसी बनी पड़ी है जो कि कोई इंसान जल्दी से तोड़ नहीं पाएगा। साथ में कार्ड निकला है फोर ऑफ पेंटिकल्स का, जो क्लियरली शो करता है कि हाँ इसके मन में बहुत सारी बातें सप्रेस करके बैठा जो कि आपको बोलना चाहता है, क्योंकि आप दोनों के बीच में गैप बहुत ज्यादा आ गया, कुछ लोग ऐसे हैं जो कि आप दोनों को मिलने तक नहीं दे रहे हैं आपसे, हो सकता है अगर इसके फैमिली मेंबर्स हैं तो इसके फैमिली मेंबर्स ने आपका नंबर ब्लॉक करा दिया है हर जगह से कि आपसे बात ही ना कर पाए, कम्युनिकेशन ना कर पाए, लेकिन ये इंसान आज भी आपको भी कहते हैं, हम ये नहीं बोल सकते कि इंसान आपको भूल गया या आपको आपसे दूर चला गया, नहीं, आज भी आपको लेकर मन में बहुत सारी ऐसी बातें जो कि आज तक किसी ने आपको नहीं बोली, मन में एकदम से वो कहते हैं ना डेस्परेशन आना, वो चीज कहने के आते दिखाई दे रही है, लेकिन इसके मन में आपके लिए प्यार आज भी उतना ही जितना प्यार आपसे पहले करता था, लेकिन अब जब भी आपके सामने आएगा ना तो आप इसका प्यार का एक नया रूप देखोगे। ये इंसान आपसे किसी भी हाल में अलग नहीं होगा, इस चीज की मैं आपको गारंटी देता हूँ, भले आप दोनों के बीच में गैप चल रहा है, गैप एक शॉर्ट पीरियड के लिए रहेगा, ये गैप बहुत जल्द खत्म हो जाएगा, अगर मैं मिनिमम टाइम पीरियड बताऊं तो अराउंड मान के चलो 4 वीक्स का, मैक्सिमम लेके चलूं तो इस ईयर के एंड तक, लेकिन आप दोनों का रीयूनियन हर हाल में होना ही होना है, क्योंकि ये इस समय इस फॉर्म में है कि ये अपने आप को वहां से दूर नहीं कर पा रहा है,
और ये दूर कर भी नहीं पाएगा। दोनों के बीच में गैप्स हैं, माना कि आपस में लड़ाई झगड़ा बहुत होते हैं दोनों के बीच में, आपको भी कभी लगता है पता नहीं रिलेशनशिप आगे चलेगा नहीं चलेगा, आपके मन में है बहुत सारी चीजें कि नहीं ये ऐसा है ये वैसा है, लेकिन आज भी आपके मन में आप ना हर पल जानना चाहते हो कि इसकी लाइफ में चल क्या रहा है, ये क्या करना चाहता है, आपसे बात करेगा नहीं करेगा, मन में क्रेविंग है। हो सकता है आप कहीं टैरो रीडर से मिलते हो, उनसे बात करते हो, उनके करंट एनर्जी जानते हो, उनको स्टॉक करते हो, उनके फोन मैसेज का वेट करते हो, लेकिन हाँ आज भी आपके अंदर वही सेम स्पार्क है जो आज के डेट में इसके अंदर भी स्पार्क मुझे दिखाई दे रहा है, जो स्पार्क कहीं ना कहीं बीच में भी खत्म हो गया था, लेकिन आज आपसे दूर होने के बाद वही सेम स्पार्क मुझे यहाँ पे इसके अंदर भी आता हुआ दिखाई दे रहा है। चलिए कुछ कार्ड्स मैं दूसरे डेक से निकालता हूँ कि आपके पार्टनर के मैसेज क्या है, वो क्या मैसेज देना चाहते हैं आपको, क्या वो करना चाहते हैं, इस रिलेशनशिप का फ्यूचर क्या रहेगा, आगे वो क्या करने वाला है, नेक्स्ट एक्शन क्या होने वाला है। देखो कार्ड कितना अच्छा निकला है, पहला ही कार्ड निकला है डैमेज कार्ड। डैमेज मतलब क्या है, इस इंसान को कहने के वो रिग्रेट की एनर्जी दिखाई दे रही है कि हाँ इसने सब कुछ गड़बड़ कर दी है। कार्ड भी निकल वी आर बोथ हर्टिंग फ्रॉम दिस, कहने के जिसके था ना ये इंसान अपने ही बिहेवियर से एक दूसरे को जो है हर्ट कर जा रहा है, ये इंसान जान चुका है कि हाँ गलती मेरी हुई है, मैंने पूरा रिश्ता खराब कर दिया, लेकिन उस डैमेज के बाद ये इंसान चाहता है कि मुझे एक चांस ऐसा मिले कि मैं सब कुछ सही कर पाऊँ। ये इंसान अपनी गलती रियलाइज करना चाहता है, इसको अपनी गलती का एहसास हो चुका है, ये कन्फर्म है। हो सकता है दोनों के बीच में कोई थर्ड पार्टी इंटरफेरेंस आओ, जिसकी वजह से थर्ड पार्टी की तरफ से यह आपकी तरफ डिटैच होकर वहां पे अटैच हो चुका हो, लेकिन अब कहीं ना कहीं देखा जाए ये माथा पकड़ के बैठा हुआ है कि मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी है किसी थर्ड पार्टी से अटैच होकर या किसी कुछ भी किसी भी फॉर्म में, लेकिन ये सब चीजें अब सुधारना खुद चाहता है। अभी सेकंड कार्ड निकल गया, थर्ड पार्टी का कार्ड निकल गया। देखो थर्ड पार्टी मतलब क्या है कि आप दोनों के बीच में जो डिटैचमेंट हुआ ना ये किसी थर्ड पार्टी की वजह से हुआ, जिसकी वजह से इस इंसान ने आपको छोड़कर थर्ड पार्टी के पास गया था, लेकिन इसको कहने के रियलाइज हो चुका है कि थर्ड पार्टी कितनी टॉक्सिक है, और कहने के दोनों के बीच में डिटैचमेंट भी हो चुका है। डैमेज का कार्ड आया ना, इसने सब कुछ डैमेज कर दिया आपके साथ रिलेशनशिप, वो भी जो थर्ड पार्टी के साथ है वो भी रिलेशन डैमेज हो चुका है। कहने के थर्ड पार्टी कार्ड ये इसलिए निकला है क्योंकि वहां पे आपको बताया जा रहा है कि थर्ड पार्टी और उनके बीच में समझो कि काफी हद तक चीजें खत्म हो चुकी हैं। अब ये इंसान आपके बारे में सोचना, आपके बारे में ओवरथिंक करना, क्योंकि जो कार्ड यहाँ पे निकला था ना आपका थ्री ऑफ पेंट्स का, साथ में फोर ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड निकला था, जो कि शो करता है थर्ड पार्टी के पास नहीं है इस समय। थर्ड पार्टी अगर होता तो आपके बारे में क्यों सोचता, ठीक है, लेकिन इस समय देखा जाए थर्ड पार्टी और उनके बीच में काफी डिटैचमेंट हो चुका है। ये इंसान आपकी तरफ आता हुआ दिखाई दे रहा है, इसके अंदर आपके लिए डेस्परेशन एक क्रेविंग दिखाई दे रही है कि मुझे दोबारा से सब कुछ चीजें सॉर्ट आउट करनी है, दोबारा से एक रिवाइंड बटन लेके आना, जिसमें किया जाता है ना कि एक कुछ ऐसा हो जाए रिवाइंड बटन, इसको कुछ ऐसा मिल जाए कि हाँ दोबारा सब कुछ सही कर पाए, लेकिन हाँ इसके अंदर आपके लिए डेस्परेशन मुझे क्लियरली हाँ दिखाई दे रही। हाँ इसने बहुत सी बातें आपको ऐसे बोली हैं, ऐसी करी हैं, ये इंसान ने इस तरीके से आप इसको ना इसके पीछे पड़ा करते थे कि नहीं मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, तो हम दोनों का रिश्ता बहुत आगे रिश्ता चलेगा, शादी करनी सब, लेकिन उस समय इसने ना उन सब चीज़ों को तवज्जो नहीं दी, उस चीज़ को ये कहते ना वैल्यू ना देना। और कहने के जानते हैं आपने ये चीज़ सोची है ना कि अगर मैं इस इंसान को प्यार देकर इसकी वैल्यू बढ़ाऊंगी, इसके मन में एक डेस्परेशन क्रिएट करूंगी, आपने सोचा वो सही था, लेकिन ये इंसान वो चीज़ इतने डिजर्व नहीं करता था उस समय, जिससे मैं आपने इसको एक अथाह प्यार दिया है, आपने इसके साथ एक अनकंडीशनल लव दिया है आपने इसको, लेकिन उसने इस प्यार की कदर नहीं करी। लेकिन आज की डेट में इस इंसान को उस प्यार की कदर होते हुए दिखाई दे रही, क्योंकि ना तो इसकी लाइफ में आज आप हो ना थर्ड पार्टी है, ये इंसान भीड़ में भी अकेला खड़ा हुआ है, लेकिन जैसे कहते हैं मन में एक डेस्परेशन बहुत ज्यादा आपके लिए होना, कहने के वो चीज मुझे यहाँ क्लियरली दिखाई दे रही है। सेकंड कार्ड निकला है कन्वर्सेशन का, मैंने कहा ना इसके अंदर डेस्परेशन इस लेवल तक है, ये आपसे बातें करना चाहते हैं, बातें को सॉर्ट आउट करना चाहता है। कार्ड में लिखा है आई वॉन्ट टू कॉल यू एंड हियर योर वॉइस, ये इंसान आपकी एक आवाज सुन लेगा ना इसका दिन बन जाएगा। आज की डेट में जो ये इंसान आपसे बात नहीं करना चाहता था ना, आपकी आवाज सुनना नहीं चाहता था जब आपको छोड़ कर गया था, आज के डेट में अपोजिट हो, दैट इज कॉल्ड कर्मा। कर्मा तो बूमरैंग की तरह सामने आएगा ही आएगा, जिस तरीके से पेन में इसने आपको छोड़ा था ना वही पेन आज के डेट में ये फेस करते दिखाई दे रहे, जो एक तड़प कभी आपके अंदर थी वही तड़प इसके अंदर आज की डेट में आपके लिए दिखाई दे रही है। ये इंसान आपसे बात करना चाहता है, चीज को सॉर्ट आउट करना चाहता है, लेकिन अब आपसे दूर रहना नहीं चाहता, और ये कुछ ना कुछ ऐसा जरूर करेगा ताकि आपके नजदीक आ पाए, आपसे बात कर पाए, आपको चीजों को सॉर्टेड कर पाए। लेकिन अब इसके मन में आपके लिए डेस्परेशन मुझे क्लियरली होती हुई यहाँ दिखाई दे रही है। ये इंसान सच बता रहा हूँ आपसे प्यार बहुत करता है, थर्ड पार्टी इंटरफेरेंस भले कितनी बार भी आई इसके लाइफ में, लेकिन ये इंसान आखिर में आया आपके पास, इसे बोलते हैं पास्ट लाइफ कनेक्शन।
कि इंसान चाह कर जितनी मर्जी कोशिश कर ले आपसे दूर जाने की, लेकिन दूर नहीं जा पाएगा। तो इसलिए मेरे लिए मैं आपको क्लियरली चीज बोल दूं यहाँ पर, यदि आपके मन में ऐसा है कि आपके पार्टनर से मूव ऑन कर चुके हैं, आपको गिव अप करना चाहिए नहीं चाहना चाहिए, रिलेशनशिप में रहना चाहिए नहीं चाहना चाहिए, मैं बोलूँ गिव अप नहीं करना है। यहाँ पे थोड़ा सा समय लग रहा है, मैंने आपको बताया है ये मिनिमम 4 वीक्स है, मैक्सिमम रहते हैं इस ईयर के एंड तक। आप दोनों का रीयूनियन हर हाल में कंफर्म है, होप का कार्ड निकला है जो कि दिखाता है इस इंसान ने अभी तक होप नहीं छोड़ी थी। वाई यू, आपको होप क्यों छोड़नी है? आप अपने आप में बैठो ना, अपने आप पर सेल्फ लव करो, अपने आप पर ध्यान दो, अपने करियर पर ध्यान दो, अपने पर फोकस करो। जो भी करेगा अब ये करेगा, गारंटी है चीज की। आपको अब इसके पीछे गिड़गिड़ाने की जरूरत नहीं है, बेगिंग करने की जरूरत नहीं है। अब ये इंसान आपसे प्यार की भीख मांगेगा, जिस तरीके से आप पहले गिड़गिड़ाया करते थे ना इसके आगे प्यार से, प्यार के लिए, अब ये इंसान आपके सामने गिड़गिड़ाएगा, आपके सामने आकर माफी मांगेगा, अपनी गलती रियलाइज करेगा, कमिटमेंट जो आप डिमांड करें कमिटमेंट खुद बोलेगा, और कमिटमेंट आपसे लेने के लिए बोलेगा कि यार तुम मुझे कमिटमेंट दो, तुम मुझे आगे कभी छोड़ोगे, क्योंकि उसके मन में वो फियर बैठ चुका है, क्योंकि जो उसने गलतियां करी थी ना, वो गलती इसे समझ आ गई, इसने गलती करी थी, अब वो दिमाग में आ रहा है कि मैंने गलती इतनी सारी कर दी, कि क्या आप उसके ऊपर ट्रस्ट कर पाओगे? इसके मन में सबसे बड़ा फियर अभी है। अगर आपने हाँ कर दी, इसके मन तब भी डर रहेगा, हाँ तो कर दी है इसने, कि जिंदगी आगे मेरे साथ निभाएगी कि छोड़ोगे तो नहीं चली जाएगी। तो ये फियर अपोजिट वे में इसके पास आ चुका है, क्योंकि अभी होप नहीं छोड़ रहा है, होप में पड़ा हुआ है कि हाँ बस एक उम्मीद ही है कि आप इसे दोबारा से इसे एक्सेप्ट कर लोगे। लेकिन इसके मन में आपके लिए प्यार एक होता है ना, एक ऐसा प्यार जो कि अब आपने कभी इसके रिलेशनशिप में जब आप थे ना तब भी नहीं देखा था, अभी आपको वो प्यार दिखाना चाहता है। ओके, नेक्स्ट कार्ड निकला है शैडो साइड। कहीं देखो शैडो साइड का मतलब क्या होगा, यू मेड मी रियलाइज माई फेलोज, कहीं ना कहीं जैसे कहता है ना कि आपने अपने आप को एक स्टबन करके, अपनी एनर्जी को साइड करके, इसको आपने ये चीज रियलाइज कर दी है कि हाँ तूने क्या गलती करी थी। इसको अपनी सारी गलतियां करने की रियलाइज होते हुए दिखाई दे रही है, अपने ये कहते ना फ्लैश बैक में जाना कि इसने क्या किया है क्या नहीं किया, वो चीज़ क्लियरली दिखाई दे रही है। लेकिन आज के डेट में देखा जाए अपनी गलती को रियलाइज करना चाहता है, अपनी गलती को सुधारना चाहता है, आपसे एक सेकेंड चांस आता है कि एक चांस उसको ऐसा मिले ताकि वो अपनी गलती सुधार पाए। और ये इंसान, मैं फिर बोल रहा हूँ, आपके पास आता हुआ क्लियरली दिखाई दे रहा है, यहाँ गिव अप बिल्कुल भी मत करना, क्योंकि अगला स्टेप आपका सक्सेस का है। ये आपके सामने इस तरीके से रिलेशन लेकर आएगा जिस तरीके से आपने सोचा भी नहीं होगा। ये इंसान आपसे प्यार करता है, वो प्यार का आपके सामने वो एग्जांपल सेट करेगा जो आप चाहते थे ना आपके बॉयफ्रेंड या आपके हस्बैंड या आपके पार्टनर में, वो चीज़ें वही सब चीज़ें इसका अभी आपको दिखाएगा कि हाँ ये आपसे कितना प्यार करता है। लिटरली ही लव्स यू, मैं बोलूंगा आप इसके एक सेकंड चांस आप दे सकते हैं, क्योंकि अभी इसके अंदर एक ट्रांसफॉर्मेशन जो होता हुआ दिखाई दे रहा है। सो जस्ट गो अहेड, आपको और कुछ नहीं करना, लेकिन करेगा जो सब कुछ ये करेगा, गारंटी है ये रिलेशनशिप एक लॉन्ग लास्टिंग रिलेशनशिप जाने वाला है, जहाँ पे भले दुनिया कोई भी लोग आप दोनों आकर अलग करने की कोशिश करें, लेकिन इंसान कभी आपसे लाइफ में अलग नहीं होगा, ये गारंटी है इस चीज की। तो आज के लिए इतना रखें, दैट्स ऑल फॉर द डे। यदि आपको रीडिंग अच्छी लगी हो और रीडिंग आपसे अगर रेजोनेट हुई हो, मेन चीज रेजोनेट का होता है, अगर रेजोनेट हुई हो प्लीज क्लेम करना मत भूलिए, क्लेम करने के लिए नीचे कमेंट बॉक्स में आप 111 लिख सकते हैं। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।